हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत ही एक बेहतरीन एकदम अपने कॉलेज में जो अभी चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत केचुआ खाद बनाने की विधि। तो इसके बारे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सो चलिए मेरे। सो फ्रेंड, ये देखिए अपना है कॉलेज का केचुआ खाद उत्पादन इकाई, कृषि महाविद्यालय कोटो आजमगढ़, जो कि अपने यूनिवर्सिटी आचार्य नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से है। सो फ्रेंड, ये देखिए है अपना यहाँ पे है, और मेरे साथ हैं आशुतोष यादव और अभिषेक गुप्ता, जो कि बताएंगे इसके बारे में। हालांकि मेरे को भी जानकारी है, लेकिन ये दोनों हैं तो बताएंगे। तो अभिषेक गुप्ता, आइए आप बताइए इसके बारे में। गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ये जो वर्मी कंपोस्ट है उसके बारे में। पहले आपको पता होना चाहिए वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। जो वर्मी कंपोस्ट होता है, मेनली वो हम लोग जो काऊ डंक होता है उसको यूज करते हैं, काऊ यूरिन को, प्लस जो रेड कचुआ होता है उसको यूज किया जाता है। उसको यूज करके हम एक ऐसा कंपोस्ट तैयार करते हैं जो हम अपने खेतों में, जो होम किचन गार्डन करते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, अपने फील्ड में यूज कर सकते हैं सॉइल को सुधारने के लिए। उसमें अच्छा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। जैसे इधर हमारे साइड जितने प्लांट्स लगे हैं, इधर कुछ बाग हैं, इसमें हम लोग अपना यही खुद का बनाया हुआ कंपोस्ट यूज करते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपका पिट बना हुआ है, इसकी साइज क्या है और किस टाइप से इसको बनाया है आप? जो इसका जो ये पीट की साइज है, सबका अलग अलग होता है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं इसको। जैसे देखिए, ये जो जो जमीन, ये सॉइल्स, मतलब जो ये लैंड है या फिर इसको बोलते हैं जमीन से इतनी हाइट पे है, आप इसके नीचे भी कर सकते हैं। जैसे ये एक फीट का हाइट है इसका, और ये एक फीट ये है, और तीन फीट इसकी ये चौड़ाई है, और प्लस ये 9 फीट इसकी लंबाई है। अच्छा, आप अपने हिसाब बना सकते हैं कि इतना मतलब इसका कोई किस इसका रेशियो 3:9 हो सकता है। क्यों? इसका रेशियो 1:3:3 बोल सकते हैं आप। हाँ, ठीक है, 3:9 अलग अलग कर सकते हैं। और इसमें ये है कि आप इसमें जब काऊ डंक और यूरिन का जब इसमें डालेंगे, तो एक प्रॉपर अमाउंट में आप इसमें वाटर भी डालेंगे। जब वाटर डालेंगे तो कुछ दिनों तक इसमें छोड़ेंगे, उसके बाद। अच्छा, वाटर का इसमें क्या यूज होता है? वाटर इसमें इसलिए यूज होता है कि आप जब ताज़ा काउडंग यूज करते हैं, तो वो बहुत उसमें विषैली गैसेस निकलती हैं, जो जो इसमें हम लोग केचुआ डालेंगे वो मरने की संभावना। हम लोग वाटर डाल के पहले उसको सड़ाते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें केचुआ का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आपके पास एक वहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, वो उसका क्या नाम है, उसको हम क्यों यूज करते हैं? इसका मेनली जो नाम है इसका, इसको रैक बोला जाता है। इसको मेनली हम लोग जो ये पीट बना है, इसका गड्ढा जो बना है, इसमें हम लोग जो गोबर है इसको एक बार पलटने के लिए यूज करते हैं। और इसका ये साइज इसलिए रखा गया है ऐसा कि इससे जो हम अगर मिलाएंगे तो जो केचुआ रहेगा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कटेगा नहीं, उसके मतलब उसकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और इससे अच्छे से हम लोग मिक्स कर सकते हैं और अच्छे से मिला सकते हैं। इसका मेनली ये यूज होता है। अच्छा, मान लीजिए हम इसमें क्या है कि अगर हम आज अपने मिक्सचर को तैयार कर लेते हैं, तो कितने दिन बाद वो हमारा जो कंपोस्ट खाद है वो तैयार हो सकता है? अगर यहाँ जिस सिचुएशन में है, ये जो सिचुएशन में है यहाँ पे अपने इस कॉलेज में, अदर जगह तो नहीं बता सकते, यहाँ पे मेनली मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 60 दिन, मिनिमम 45 से 50 दिन में ये कंप्लीट होता है। अभी हमने एक बॉक्स बनाया था कुछ दिन पहले, अच्छा अच्छा हो चुका है ये, इसका यूज हमने कॉलेज में कर लिया है। ये हमारा 50 दिन में 52 दिन में बन के पूरा तैयार हो गया था, जो हम लोग कॉलेज में कर लिए हैं, उसको पैकिंग करके हमने केवीके में भेज दे दिया है। अच्छा, और जगह चेकिंग के लिए जा चुका है, और आगे हमारे गांव के जो फार्मर्स हैं उसको भी आते हैं यहाँ, सीखते हैं इसके बारे में, हम लोग बताते हैं उसको, और उसको हम लोग प्रोत्साहन बोलते हैं किसानों को कि आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। आजकल आप देख रहे हैं कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स कितने यूज कर रहे हैं, जो हमारे सॉइल को एकदम ख़राब कर दिया है। अच्छा, ये हमारे एक अच्छा साबित हो सकता है। अच्छा, हम एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे आप, तो इसका मान लीजिए बनाने की विधि कितने दिन में तैयार होता है बता दिए, क्या क्या लगता है भी बता दिए, लेकिन आखिरी क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अगर इसको हम अपने क्या कहते हैं कमर्शियल रूप में हम इसका प्रोडक्शन करना चाहें, ठीक, अगर मान लीजिए कमर्शियल करते हैं तो इसका रेट क्या हो सकता है, कुछ इसका अंदाज है आपको? हाँ, इसका अगर आप कमर्शियल लेवल में बड़े लेवल पे इसका प्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए पहले आप तो इसका स्टार्टअप करेंगे अच्छे से। करने के बाद इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट्स है, स्टार्टअप एग्रीकल्चर के तहत अभी इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसमें मेनली हमारे हिसाब से आई थिंक कॉस्ट जो होना चाहिए यहाँ पे तो अलग अलग है, पर हर अपने अगर हम यहाँ बनाते हैं तो हमारे हिसाब से इसको 10 से 12 रुपये पैकेट के हिसाब से बेचना चाहिए। अच्छा, तो एक पैकेट में लगभग कितना, 1 kg का? एक, हाँ, 1 kg के आसपास ही रहता है। अच्छा, तो
जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपने लगभग सभी चीज़ों को बता दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। थैंक यू। तो दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए क्या है ना कि एक झोपड़ी टाइप में बना हुआ है, खासतौर हम लोग झोपड़ी ही कहेंगे इसको, ऐसे तो इसको शेड कहा जाता है। चलो ठीक है, तो इनसे जानेंगे भाई ये शेड क्यों बनाया जाता है। तो अभिषेक जी आप बताइए, मतलब इसको क्यों बनाया है, आप ऐसा किस टाइप किस लिए बनाया गया है? हम आपको पहले ये बताना चाहेंगे, जो ये झोपड़ी दिख रही है आपको साइड, मेनली जो होता है कि हम लोग इसको इसीलिए लगाते हैं, जो कंपोस्ट पीट वगैरह बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं, इसको कवर अप करने के लिए बनाते हैं। जो हमारे यहाँ वेदर है, कभी तेज़ धूप है, फिर कभी बारिश होने लगती है, उससे बचाने के लिए मेनली किया जाता है। और अगर बारिश ज़्यादा होगी तो इसमें वाटर जाएंगे, तो हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट इसमें पोषक तत्व होते हैं वो नीचे चले जाएंगे, लीच हो जाएंगे, तो वहाँ पर प्रॉपर ये मैन्यूर नहीं बन पाएगा। और जो और ज़्यादा अगर हीटनेस हो गई तो हमारी जो इसमें वर्मी कंपोस्ट है, कंपोस्ट तो ये वर्मी है, इसमें कछुआ है और केचुआ वो मरने लगेंगे, इसलिए हम इसको अच्छे से प्रॉपर कवरअप किए रहते हैं, चारों तरफ से घेरे रहते हैं कि अननेसेसरी चीज़ जो होता है फालतू इसे इफेक्ट करे, वो हमारे इसको ना नुकसान पहुँचाए, हमारा प्रॉपर सही रहे, अच्छे से यूज किया जाए। अच्छा अभिषेक, हम दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो आपके जो शेड के नीचे जो साइड अप लगाए हुए हैं ग्रीन कलर का, तो भाई इसका मेन रीज़न क्या है कि आप इसे ग्रीन कलर के, मतलब क्या आप दिखाना चाहते हैं? वैसे तो ये ग्रीन कलर इसलिए लगाया गया कि आप पहले देख सकते हो जो वर्मी कंपोस्ट है ये क्या है कि बायोडिग्रेडेबल है, और इसे ऑर्गेनिक मेनली आजकल आप सुने होंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग बहुत नाम चल रहा है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जितना हम लोग यूज करते हैं वो सब क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, उसको ये मेनली डिनोट करता है ग्रीन कलर से। आप जानते हैं आजकल गीला कचरा, सूखा कचरा, अलग अलग डिब्बे चल रहे हैं ग्रीन और ब्लू, इस हिसाब से हमारा जो ये बायोडिग्रेडेबल चीज़ हम बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसको हम लोग ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। हमारे हिसाब से हमने ग्रीन कलर से लगा दिया कि प्रॉपर अच्छा लगे, और हाँ उसको डिनोट करें कि हाँ यहाँ ऑर्गेनिक चीज़ का कुछ प्रोडक्शन होता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। तो हमारी अगली प्रश्न रहेगी अभिषेक जी कि जो इसमें हम केचुआ का यूज करते हैं, तो अगर मान लीजिए हमें केचुआ को और उसको कंपोस्ट को अलग करना है, तो हम किस टाइप से या किस विधि से हम उसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरा तो उसको यूज करेंगे नहीं, हमको केवल कंपोस्ट चाहिए, तो आप इसे कैसे अलग करके फिर से सेपरेट उसको कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें हम लोग लाल कछुआ, जो लाल केचुआ होता है, जो लाल केचुआ होता है उसको यूज करते हैं, वो मेनली ये जब इसमें मिक्सअप हो जाता है, जब हमारा वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाता है, इसको हम लोग क्या करते हैं मेनली समर सीजन में, या फिर बोल सकते हैं जहाँ जब धूप होती हो, तो हम लोग क्या करते हैं पॉलीथीन लेते हैं, पॉलीथीन पे हम लोग कंपोस्ट को निकाल के रख देते हैं। अब क्या होता है कि जब हमारे जब कंपोस्ट पे धूप पड़ती है, धूप लगती है, तो आपको पता होना चाहिए जो केचुआ होते हैं उनको ठंडी जगह अच्छी अच्छे से पसंद होती है, और ठंड की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर बरसात में दिखाई देते हैं। इसीलिए क्या करेंगे, जब हम लोग ढेर बनाएंगे कंपोस्ट का, तो उसमें जब धूप पड़ेगी ऊपर से तो नीचे ठंडा होगा, ऊपर गर्म होगी, तो केचुआ जितने रहेंगे सब नीचे चले जाएंगे, तो इसके हिसाब से जो ऊपर का लेयर होगा वहाँ पे केचुए नहीं रहेंगे, और उसको हम लोग अलग से सेपरेट करके निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो लास्ट हमारा पोर्शन बचेगा उसको हम लोग चाल के निकाल लेंगे, बाकी जो केचुए बचेंगे उसको फिर से हम यूज कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, ये साइकिल चलता रहता है। ओके, तो एक क्वेश्चन मेरा और रह गया अभिषेक कि जो इसमें हम केचुआ यूज करते हैं, तो मेनली हम इस केचुआ को कहाँ से प्राप्त करेंगे? अगर मान लो जो जैसे भी किसान भाई लोग देख रहे हैं, चाहे जो भी इसका मान लो प्रोडक्शन करना चाहता है, तो केचुआ को हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, और इसका प्राइस रेट क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। मेनली हम आपको बेसिकली ये बताना चाहेंगे जिसमें जो रेड केचुआ यूज करते हैं वो आपको हर जगह, आजकल तो आप ऑनलाइन का ज़माना आ गया, ऑनलाइन पे भी मिल जाता है, बट आपको अगर लेना है ऐसे तो आपको पहले कृषि जो एग्रीकल्चर के संस्थान होते हैं, कृषि जैसे कृषि महाविद्यालय हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, और जो KVK होते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे विथ सब्सिडी, आपको सब्सिडी मिलेगी। और अगर आप वैसे प्राइवेट वगैरह अगर मंगाते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये के हिसाब से, किलो के हिसाब से मिलता है, या पैकेट में ही आता है। हमने तो मंगाया था थोड़ा सा कॉलेज के लिए, उसमें हम लोग यूज कर लिए, और हमारे KVK पे कॉलेज में ये सब मिलता है। अगर आपको लेना है इसको तो आप अपने आसपास के जो कृषि संस्थान हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, या जो एक KVK होगा वहाँ से आप संपर्क कीजिए, आपको वहाँ पे अच्छे रेट में इसे मिल जाएगा। तो हमारा आखिरी सवाल एक रह गया कि अगर हम इसको करते हैं, चाहे इसका किसान भाई यूज करते हैं, चाहे कोई भी फार्मर्स यूज करता है,
तो इसका सबसे बड़ा एक चीज़ रह जाता है कि लाभ क्या है भाई। हर कोई जानना चाहेगा कि अगर हम इसको कर रहे हैं तो इससे हमें क्या क्या लाभ मिलेगा, क्या हमको फ़ायदा है, तो इसके बारे में आप बताइए। जो वर्मी कंपोस्ट है इसके बहुत लाभ हैं। इसको हम मेनली बता दें कि जो हमारा किचन गार्डन होता है, फील्ड होता है, जो बाग बगीचा होता है, उसमें हम यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो हमारे सॉयल को, पहले आप जानते हो किसान जो केचुआ होता है किसान का मित्र कहा जाता है, आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। केचुआ और किसान में बहुत बड़ी संबंध होता है। तो ये वर्मी कंपोस्ट होता है हमारे सॉयल के टेक्सचर, उसके मतलब सॉयल की बोलते हैं फर्टिलिटी, जितने उसमें सॉयल में पोलिनेशन होता है, भुरभुरा सॉयल को भुरभुरी बनाती है, सॉयल को एक अच्छा रूप दे देती है, अच्छा मतलब एक उसका आकार बना देती है, जो हमारे प्लांट को अच्छे से ग्रो कराते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट अच्छे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग इस समय तो जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1967 में, तो उसके बाद हम लोग जैसे हाई लेवल पे क्या कहते हैं अपना फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करने लगे, लेकिन ऐसा अब क्यों हो रहा है कि हम उसके जगह पे इन सब का यूज करने के लिए मतलब प्रोवाइड करा रहे हैं, इसको क्यों हम यूज कर रहे हैं? हम बता दें कि जो घी हरित क्रांति आई इंडिया में 1964-65 में, उसके बाद जो हमारा दिया गया प्रोडक्शन में, उसमें हम लोग क्या किए, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया गया, क्वांटिटी पे ध्यान दिया गया। तो क्वांटिटी के चक्कर में हमारा जो मतलब अधिक उत्पादकता के चक्कर में हमारे जो फील्ड है उसमें अधिक जितने ये खाद फर्टिलाइजर यूज़ करने लगे, तो हमारा क्या सॉयल धीरे धीरे एकदम ख़राब हो गया। और जब सॉयल ये ख़राब होता गया तो उससे हमने क्या किया कि अब जब सॉयल ख़राब हो गई, प्रोडक्शन धीरे धीरे हमारा कम हो रहा है, तो प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसीलिए हम क्या करना है, सरकार ने मुहिम चलाई है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। वैसे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में बहुत पहले होती थी, पर अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक नया स्वरूप दिया जा रहा है, इससे हम लोग सॉयल को सुधार सकते हैं। सॉयल को सुधारना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सॉयल को जितना हम लोग सुधारेंगे अच्छा प्रोडक्शन देगा, वो हमारे लिए अच्छा है और हमारे लाइफ के लिए और अच्छा है, जीवन के लिए अच्छा है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमारे अभिषेक ने पूरा डिटेल बताया, तो आप लोगों को जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा। और हम चाहते हैं कि जैसे कि हमारा मोटिव जो है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, तो इन सब का यूज करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ा सकते हैं। और अभिषेक गुप्ता ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताया, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी, और हम चाहेंगे कि आप सब इसका यूज कीजिए अपने खेतों में, अपने गार्डन वगैरह में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह से हमारे वीडियो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो आते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।